क्लास में है, जो लोग बहुत दिनों से गैर हाजिर रहे हैं, कई महीनों से सालों से नहीं आए हैं, वो पहले फरुखाबाद में जाके भर्ती करें, उसके बाद बाबा का क्लास अटेंड करें। कोई है ऐसे? बाबा तो कहते हैं 2 महीने बाबा से संपर्क नहीं होता है तो बाबा मरा हुआ समझते हैं। वो क्लास में आप नहीं बैठ सकते? नहीं। हाँ जी, 4 महीने हो गए, पैर परेशान है और ये ऑपरेशन भी हुआ यहाँ पे, कुछ क्लास वगैरह करते ही सुन लेते। इसके लिए आपने यहाँ इंचार्ज को बताया? आने जाने लायक नहीं, फोन करने का भी नहीं। अरे फोन नंबर तो है यहाँ का, तो कर सकते थे ना? हैं? हाँ तो अभी क्लास करके बाद में आना चाहिए ना फिर, कोई नया नियम तो है नहीं। और कौन कौन है? हाँ जी, 3 साल से नदारद है और तो तुरंत आके बैठ गए। आपको मालूम है ब्रह्मा कुमारियों से झगड़ा भी चल रहा है जबरदस्त, कोर्ट कचहरियाँ हो रही हैं। आप CID आकर के बनकर बैठ गए हो तो क्या करेंगे? हैं? आप तो क्यों ऐसे कर रहे हैं? हाँ जी, ये पक्का है जो क्लास में नहीं आते हैं वो प्योरिटी की धारणा बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। घर में डेली क्लास करते हैं? घर में डेली क्लास तभी कहेंगे हम घर में डेली क्लास करते हैं, हमारा परिवार से कोई कनेक्शन नहीं है। क्या कनेक्शन रखते हैं? आप कितने साल से नहीं आ रहे हैं? 3-4 साल से नहीं आ रहे हैं और यहाँ आके अभी बैठ गए चुपचाप। बहनों ने बोला आगे बैठ जाओ। कौन सी बहनों ने बोला? है सूर्य प्रभा बहन आई थी, उसने कहा यहाँ 3-4 दिन से आपको कुछ लेना देना नहीं, वो तो उनसे मिलते रहते हैं। हाँ जी, बीच बीच में मिलते रहते हैं, क्लास करने नहीं आते, इस परिवार से आपका कोई कनेक्शन नहीं है। क्या कनेक्शन है? कितनी बार तो आप पुलिस में कोर्ट कचहरी में ले जाकर के भाइयों को रख दिया, बहनों को रख दिया और फिर आकर के आप यहाँ चुपचाप बैठ रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। आ गया तो आप क्या, आपको मालूम है भर्ती करो जाकर के, माफीनामा लिखो जाकर के, उसके बाद फिर क्लास में बैठो। अजी कहाँ ठीक है? तोता नल पर बैठा रहेगा, बोलता रहे तोताराम नल पर नहीं बैठना, तोताराम नल पर नहीं बैठना। अब कुछ कदम पीछे भी हटा लो। हैं? ठीक है क्या? और कोई है ऐसे? कितने दिन से नहीं आए? 2 साल से नहीं आए और चुपचाप आके बैठ गए हैं? ऐसा दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई कॉलेज ऐसा देखा होगा कि स्टूडेंट महीनों गायब रहे, सालों गायब रहे, फिर आकर के क्लास में बैठ जाए?
घर में काम चल रहा है, कौन सा यहाँ ऐसा कौन है जिसके घर में काम नहीं चल रहा है, बताओ। अरे यहाँ ऐसा कोई है जिसके घर में काम नहीं चल रहा है? नहीं है, है? क्या कह रहे हैं? घर में काम चलता है, फिर सभी के घर में काम चलता है, अपने आप गलती को स्वीकार करो, अपने आप पीछे हटो, वो ज्यादा अच्छा है। और बोलिए, हाँ जी, कितना टाइम हो गया? 2001 में भर्ती किया, उसके बाद? उसके बाद श्रीमान जी मैंने प्रयास किया कि बार बार आएंगे, लेकिन कभी इंतजाम नहीं करते थे, तो 200 रुपया बचता था, हाँ मैं आ नहीं पाता, आ नहीं पाता था। तो अभी अभी कैसे हिम्मत पड़ गई? अभी परिवार का फाइल रख करके और सूटकेस में पकड़ के आए हैं, परिवार का फाइल रख करके और मैं सूटकेस से भाग करके आया। हाँ, किराया देके आए हैं तो यहाँ कम से कम इन्फॉर्मेशन तो देना चाहिए कि ऐसे ऐसे हम आकर के बैठ रहे हैं क्लास में, है? आठ दस दिन हो गए, पहले आप अपनी तो सेवा कर लो। हाँ, 2001 से छोड़े हुए कितना टाइम हो गया? ऐसा सुनो, अभी पहले आप अपनी बच्ची करिए जाके और बाद में, और फिर बाद में सेवा करना, अच्छा है? पैसा हाँ, पैसा नहीं तो पैसा हाथों से कहाँ है, हाथों का मैल है, पैसा है नहीं तो चोरी थोड़ी करेंगे, न कहीं से भीख मांगेंगे। यहाँ सेवा कर सकते हो तो संसार में रहकर के सेवा नहीं कर सकते? सेवा से पैसा नहीं कमाया जाता है? अरे सेवा से पैसा कमाया जाता है ना, तो पहले पैसा कमाओ फिर उसके बाद ध्यान में चलो, भीख मांगे भक्ति थोड़े की जाती है, ना जबरदस्ती की जाती है। आप चुपचाप बैठ गए, यहाँ किसी को पता भी नहीं है कि आप ज्ञान में चल रहे हैं, कितने टाइम से चल रहे हैं, गैदरिंग ज्यादा है अब नहीं पता चलता है। अभी कम से कम बाहर से आए तो पीछे तो बैठ रहे जाओगे, जब और सब भाइयों भाइयों में ही है, माताओं में कोई नहीं है। सारी मक्खियाँ इधर, आधा घंटा ओवर हो जाता है, सारी मक्खियाँ इधर, आधा घंटा ओवर होने के बाद आते हैं तो भी यहाँ आधा क्लास दिखाई पड़ता है, और बाबा आते हैं तो फौरन पूरा क्लास बन जाता है।
परिवार से कुछ लेना देना नहीं, सीधा बाबा से कनेक्शन रखना, बाबा देख ले बस हो गया। तीन महीना नहीं आए? अच्छा, बहन को बता दिया था? हैं, पाठशाला में जाते थे? पाठशाला में तो मारो पाठशाला में नहीं आ पाई आपको, तो बता तो दो कम से कम, हाँ उधर भी बताओ इधर भी बताओ। अरे कोई बात हो जाती है, कोई कारण बन जाता है, बीमार पड़ जाता है आदमी, तो छुट्टी भी ली जाती है। अभी कितने दिन से क्लास कर रहे हैं यहाँ? डेढ़ दो महीने से लगातार कर रहे हैं अपने वहाँ मारुत में। अब क्या किया जाए, मारुति बहन जी को बताना चाहिए, उन्होंने भी नहीं बताया। स्टूडेंट की अकेले थोड़ी गलती है। खूब दान करो, खूब धर्म करो, ज्यादा दान करेंगे तो बड़े साहूकार बनेंगे। ठीक है, पैसा बैंक में दबा के रखो और ज्ञान का दान करो। ऐसा ज्ञान का दान करो, क्योंकि पैसे तो बैंक में जमाए हुए हैं, तो ज्ञान कितना बुद्धि में बैठा होगा? जितना ज्ञान बुद्धि में बैठा होगा उतना ही सेवा होगी, और जिसकी सेवा करेंगे वो राजा वर्ग की आत्मा निकलेगी या प्रजा वर्ग की आत्मा निकलेगी? है, प्रजा वर्ग की आत्मा निकलेगी। जो राजा वर्ग के बनने वाले होंगे वो तो फुल बैगर तो फुल प्रिंस बनने वाले होंगे, कि बैंक बैलेंस इकट्ठा करके अलग रख देंगे, आके सरेंडर हो जाएंगे। है, बैंक बैलेंस उठा के बैंक में रख दिया और बाबा के यज्ञ में आके सरेंडर हो गए। तो राजा बन जाएंगे? है, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहे हो निर्धन कहे हो कोड़ी। यहाँ कोड़ी मोड़ी बनने की तो बात ही नहीं है। हाँ, लोन कोई मत नहीं लेनी थी, हाँ नहीं पूछना चाहिए, लेकिन जो संबंधी हमेशा बाबा के बाबा के बारे में ज्ञान के बारे में बताता हो तो उसके ज्ञान की राय लेनी थी, मत लेनी थी। ऐसा ज्ञान क्या था बाबा? जो मुरली रोज सुनते हैं उनको बाबा की रोज चिट्ठी मिलती है कि नहीं? बाबा की चिट्ठी रोज मिलती है कि नहीं? और बाबा की चिट्ठी ऐसी है कि जो भी रोज सुनता है तो रोज मरने की समस्याएं उसकी मुरली से ही समाधान होती रहती है। थोड़ा मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। रोज की मुरली से हर प्रकार के डायरेक्शंस मिलते रहते हैं। बाय चांस नबी मिलते हैं तो जिसको चाह उसको राह मिल जाती है। अभी तो साधन ढेर हो गए हैं, चिट्ठी से राय नहीं मिलती है,
ईमेल से ले सकते हैं, ईमेल से नहीं मिलती है। मोबाइल से ले सकते हैं, मोबाइल से एक बार कनेक्शन नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, जिसको दरकार होगी वो 10 बार 20 बार भी करेगा। डायरेक्शन लेकर के ही छोड़ेगा। और थकान देह अभिमान से होती है कि आत्माभिमानी रहने से थकान होती है? बाबा तो कहते हैं आत्मिक स्थिति में रह करके तुम आबू रोड से माउंट आबू तक चले जाओ दौड़ते हुए, तुमको थकान नहीं होगी। देहभान जितना बढ़ता जाता है उतना प्रकृति भी तमो प्रधान बनती जाती है, और प्रकृति के 5 तत्व भी तमो प्रधान बनते हैं। आत्माएं तमो प्रधान बनती है तो आत्माओं के द्वारा जो पैदाइश होगी वो भी तमो प्रधान पैदाइश होगी। मान लो किसान है, तमो प्रधान बना तो खेत में यूरिया ही डालेगा या ऑर्गेनिक खेती करेगा? है यूरिया ही डालेगा। यूरिया नाम ही यूरिन से बनता है, यूरिया का बना हुआ अनाज, यूरिया से बने हुए फल, यूरिया से बने हुए सब्जियां, जितना खाते जाएंगे उतने पेट में कीड़े बढ़ेंगे या कम होंगे? आत्मा बिना शरीर के रहती है इस दुनिया में? नहीं, एक सेकंड में यहाँ शरीर छोड़ा और दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाती है। भूत प्रेत आत्माओं का अपना शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसे, उनके सूक्ष्म इंद्रियां भी होती है। उनमें ज्यादा ताकत होती है। और जवाब आप पूछ लो, क्लास में तो आते ही है, खुला दरबार है कि नहीं? किसी को मना किया जाता है? तुम बोलो मत, चुप रहो। ब्रह्मा कुमारी का आश्रम तो नहीं है ये, या तो बोलने की स्वतंत्रता है ना। बोलो क्या पूछा आपने? पहले पूछा अभी याद ही नहीं रहा, मैंने कोई जरूरी बात नहीं पूछी, ऐसे ही दिल हुई बाबा से बात कर ले। अच्छा, और बाबा आपने बताया कि आपका बाबा ने जन्म दिया है, 108 की आंख का बाबा ने जन्म लिया, हाँ, तो क्या वो 108 वाली आत्मा दृष्टि दे सकती है? पता चलता है तुम्हें?
जिसमें बाबा आता है उनको पता चलता है। मुरली में बोला कैसे पता चलता है कि इनमें बाप भगवान है, जब ज्ञान सुनाते। फिर बोला मैं जब आता हूं तो किसी को पता चलता है कब आता हूं कब चला जाता हूं। भूत प्रेत आत्मा को तो पता चल जाता है कब आती है कब चली जाती है, लेकिन मैं तो हल्का फुल्का हूं, मेरे को सूक्ष्म शरीर का दबाव भी नहीं पड़ता। तो ब्रह्मा के तन में जब मैं आता हूं तो ब्रह्मा को पता चलता है, है? ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता कब आता है कब चला जाता है, आपको पता चल जाता है। आपको तो ब्रह्मा का भाई बाप कहे, ये निश्चय में अव्वल नंबर बच्चा है। क्या नाम है आपका? रमेश बच्चा। रमा के साथ ही रमन करता रहता है। पक्का निश्चय? पक्का निश्चय वाला पूछता है, हैं? पक्के निश्चय वाले को पूछ पूछ की पूछ होगी, हैं? बात करना अलग बात और पूछना अलग बात। बात ही कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आज की माला के दुकाने वो बच्चा भी एड्रेसिंग दे सकता है। जो बच्चे ये पक्का करें कि मेरे अंदर शिव बाबा आया तो उनको समझो रावण संप्रदाय है, हिरण्यकश्यप है। मुरली में बोला जो कहते हैं मेरे अंदर शिव बाबा आया, मेरे अंदर शिव बाबा आया, हाँ मेरे अंदर शिव बाबा आया, शिव बाबा ने आके दृष्टि की पावर दी, मेरी पावर देने के कारण वो बच्चा उठ गया। मेरे अंदर शिव बाबा आया, उसने ज्ञान सुनाया, मेरे ज्ञान सुनाने के आधार पर वो आत्मा उठ गई। अगर कोई कहता है तो वो कौन है, है? अच्छा आप दृष्टि दे सकते हैं, बड़ी चाव है दृष्टि देने की, है? कुमार का दादी की भी बड़ी चाव लगी दृष्टि देने की, दृष्टि देने करके बड़े बड़े पोस्टर छपा दिए। ब्रह्मा के अलावा और दुनिया में कोई शख्सियत नहीं होती जो शिव बाबा का साकार रूप हो। फिर खुद ही त्रिमूर्ति के चित्र छपा दिए, गुलजार दादी का छपा दिया, लोकल दादी का छपा दिया, सबसे ऊपर अपना छपा दिया, ऊपर लगा दिया शिव ज्योतिबिंदु। इस चित्र का क्या मतलब हुआ? मेरे अंदर शिव बाप आता है, मैं दृष्टि दे सकती हूं, दृष्टि से सृष्टि सुधारने का मेरा काम है। मेरी सिर्फ दिल ही नहीं होती है, मैं प्रैक्टिकल में ऐसा कर रही हूं पहले से। मुरली में कहीं नहीं बोला गया क्या क्या कि एक दूसरे को दृष्टि देना ये कोई राजयोग है? दृष्टि से सृष्टि सुधारना ये सिर्फ एक बाप का ही काम है। एक बाप के अलावा कोई भी दृष्टि के संग के रंग से दूसरे को उठा नहीं सकता, गिराने के निमित्त बनेगा, उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और सबसे गहरा और सबसे ऊंचा क्या चीज और सबसे बड़ा रहस्य? सबसे गहरा तो भगवान ही है, जिसको सागर कहा जाता है। सागर की गहराई को आज तक किसी ने ना पाया है? नहीं ना पाया। वो ही ज्यादा रहस्यमय है, जिसकी गहराई का किसी को पता ही नहीं चलता।
बाबा साहूकार प्रजा में ऊंच पर पाने का क्या था बाबा ने आज कहा है साहूकार प्रजा में ऊंच पद पाना है तो जितना अपने अंदर ज्ञान है वो दूसरों को सुना सकते हैं ना। भक्ति मार्ग में भी माना जाता है कि जो दूसरों को इस जन्म में धन दान करते हैं तो अगले जन्म में क्या बनते हैं साहूकार बनते हैं। जितना भी जो कुछ भी हमारे पास है क्या करें हम उसको ईश्वरीय सेवा में लगा। जितना हम सेवा करेंगे उतना हमारा पद ऊंच बनेगा। सिर्फ राजाई का ही पद नहीं होता है, जैसे राजा के साथ रानी बैठती है ऐसे राजा के साथ बड़े बड़े साहूकार भी बैठते हैं। फर्स्ट क्लास प्रजा बनना वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि हम दुनिया की नजरों में अपने को सरेंडर बोल दें, साबित कर दें, कागज पे लिख दें, उनसे लिख के दे दें और फिर बाद में अवज्ञाकारी, नाफरमान, बेवफा, ये चार गुण है ऊंच पद पाने के। आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार, और बेईमानी करने लग पड़े। तो सरेंडर तो होंगे ही 16108। लेकिन कर्मों की कोई ये गति है, सरेंडर हुए सिर्फ दिखाने के लिए और अंदर से समझते हैं कि हमारा क्या पद बनने वाला है। घर का बेदी लंका ढावे, ऐसे बहुत हैं जो सरेंडर होकर के रहते हैं और पीछे पीछे बुराई करते रहते हैं, बाप की, बाप के परिवार की बुराई करते रहते हैं। परिवार में एक होना चाहिए, एक के कंट्रोल में होना चाहिए सनातन धर्म का जखीला, या अनेक अनेक ग्रुप बनना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि बनेगा नहीं, बनेगा तो जरूर। लेकिन पार्ट प्रत्यक्ष हो जाएंगे, पद प्रत्यक्ष हो जाएंगे, अभी कोई को बोलो तुम्हारा माला में ये नंबर है तो कोई अपने को नीचे साबित करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये सेवा का फील्ड इतना प्रत्यक्ष हो जाएगा, डिस सर्विस का फील्ड इतना प्रत्यक्ष हो जाएगा कि उंगली उठाने की दरकार ही नहीं रहेगी। ये मड़का ऊंचा क्यों, ये नीचा क्यों, मेरा नीचा नंबर क्यों और इसका वो नंबर ऊंचा क्यों। जैसे मिलिट्री में सब नंबरवार होते हैं, नीचे का ऑफिसर ऊपर के ऑफिसर से आंख नहीं मिला सकता, ऐसे नंबर डिक्लेयर हो जाएंगे। तब कहेंगे पक्की पक्की रूहानी मिलिट्री। ऐसी रूहानी मिलिट्री जब स्थापन हो जाएगी तब लगेगा मार्शल ला।
रूहानी गवर्नमेंट का मासन कौन होगा? तब प्रत्यक्ष होगा। तिरसठ जन्मों में उन राजाओं के सामने छोटे छोटे दड़िया राजा हैं, उनके सामने जाने में थर थर कांपते थे। अभी तो राजाओं का राजा बनाने वाला बाप आया हुआ है। अभी तो और ही उल्टा देखने में आता है। बाप को सोचना पड़ता है कि समझानी दूं या ना दूं। कहीं उल्टा ना हो जावे। ग्लानी करने का महापात्र न बन जावे। बाबा, तुम्हारे दादाजी ने आदि से अंत तक बाप की बाप का विरोध किया जी, और फिर भी वो सेकंड नारायण बनी, इसका आधार क्या है? सेकंड नारायण की पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, है? मूर्ति बनती है। कभी नाम सुना? तो बाप ने जिनका नाम निशान उड़ा दिया वो आपकी बुद्धि में बैठ गया। ऐसे क्यों? आपकी बुद्धि में कुमारका दादी की महानता क्यों बैठ गई? शिव बाप की महानता क्यों नहीं बैठ रही है? 15 साल बाबा गए हैं, 15 साल उनका। अरे ये तो 15 साल गए और इससे ज्यादा जाने वाले निकले हो तो एडवांस में। ये भी एक अहंकार हो जाता है, मैं इतने साल से बेसिक में चल रहा हूं, मैंने जितना पहचाना है तुमने थोड़े पहचाना होगा। वास्तव में ये देहधारियों का लगाव लग जाता है, उनके प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, और जो यहां प्रभावित हो जाते हैं वो वहां जाके किसी जन्म में प्रजा बनेंगे। क्या कारण है कि लाखों करोड़ों की तादाद में वहां बैठे हुए हैं फॉलोअर्स बीके में, बड़े बड़े अच्छे पद वाले ओहदे वाले बैठे हुए हैं, पैसे वाले बैठे हुए हैं, दीदी दादियों से दादाओं से इतना डरते हैं, पूर्ण के संस्कार हैं, वो संस्कार उनके प्रज्वलित हो जाते हैं और दबाव में आ जाते हैं। यहां एडवांस में बैठने वाले ढेर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने गुरुओं की दरकार नहीं, गुरुओं को मारो गोली, एक शिव बाबा दूसरा गोली। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। वो सिर्फ रूहानी बाप एक ही है, जो नमन करता है, बच्चों के सामने झुकता है, कहता बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तुम मेरे को सरेंडर होते हो तो मैं तुमको सरेंडर हो जाता हूं।
तो मैं जैसे चलाओगे वैसे चलूंगा, जो खिलाओगे सो खाऊंगा, जहां भेजोगे वहां जाऊंगा। कितनी बड़ी बात बोल देते हैं मुरली में। मैं बच्चों के सामने सरेंडर हो जाता हूं। कौन से बच्चों के सामने? जो मेरे को सरेंडर होते हैं। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। किस बात के लिए हिम्मत है? बैगर टू प्रिंस। बैगर बनने के लिए भी हिम्मत करनी पड़ती है। राजा बनने की उतनी हिम्मत नहीं है जितने बैगर बनने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है। सबसे मुख्य गुण है जो उनका जन्मजात गुण प्रत्यक्ष होगा, देखने में आएगा, वो गुण है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। बेसिक में भी देखने में आवेगा और एडवांस में आने के बाद भी देखने में आवेगा। उनको बाप के कार्य की जितनी ललक रहेगी उतना लौकिक कार्य की ललक नहीं रहेगी। बाप की पढ़ाई की जितनी ललक रहेगी उतनी डागली पढ़ाई की ललक नहीं रहेगी। बाप के धंधे की जितनी ललक रहेगी उतनी दुनियावी धंधे की ललक नहीं रहेगी। बाप के मान मर्तबे की जितनी चिंता रहेगी उतनी अपने और लौकिक परिवार के मान मर्तबे की चिंता नहीं रहेगी। और कृष्ण को संपूर्ण स्टेज पे आने के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण को संपूर्ण स्टेज पे आने के लिए गीता के भगवान को पहचान लो। अरे मुख्य भूल क्या हुई है? और वो मुख्य भूल किसके द्वारा हुई है? जिसने उस मुख्य भूल का फाउंडेशन डाला है वो ही निमित्त है। एक के पावन बनने से सात पावन बन जाएंगे, वो पहला पत्ता है। एक के पतित बनने से सात पतित बन जाते। एक अज भूल है, बहन भाई को राखी बांधती है संगम में की फाउंडेशन बनती है। ये ब्रह्मा कुमारियां राखी बांधने नहीं जाती हैं क्या? भूल गए? क्लास में बैठा के राखियां नहीं बांधती हैं क्या? उनके राखी बांधने से पवित्र बनते हैं कि भगवान का ज्ञान सुनने से पवित्र बनते हैं? भगवान ब्राह्मण के रूप में आता है, एक एक ब्राह्मण बच्चे को राखी बांधता है पवित्रता की, तब नंबर वार पवित्र बनते हैं। आगे सतो प्रधान पीरियड था तब ऐसे होता था, अभी तो तमो प्रधान दुनिया बन गई है तो बहने खर्ची के लिए पैसे लेने के लिए भाइयों को बांधने लगे। शूटिंग चल रही है ब्राह्मणों की दुनिया में। हाँ कौन होता है? भूत प्रेत। कुल देवता कोई होता है इस दुनिया में? ये दुनिया देवताओं की दुनिया है या राक्षसों की दुनिया है? भूत प्रेतों की दुनिया है
यह भगवान के बच्चों की दुनिया है, भूत प्रेतों की दुनिया है। ये भूत प्रेत पूजा लेते रहते हैं अपने को भगवान भगवती देवी देवता बता के। हाँ जी, यज्ञ के आदि में विराट ज्वाला प्रज्वलित हुई, वो कैसे हुई बाबा? जैसे आजकल घर घर में विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, यज्ञ के आदि में प्रज्वलित हुई तो बाबा ने बोला निमित्त कौन बने, ब्रह्मा बाप और बीच में आ गए बच्चे। घर परिवार में भी निमित्त कौन बनते हैं, पहला नंबर किसका, बाप का। अरे कलयुग में बाप मां बनाता है, रचना बनाता है, तो रचना को किसके कंट्रोल में होना चाहिए, और कंट्रोल से बाहर हो जाए और बच्चों का समर्थन करने लगे और बाप को ठोकर मारे। यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही था, ज्यादा पराशक्ति बाप में होती है या चार दिवाली के अंदर रहने वाली माता में होती है, बाप में ज्यादा पराशक्ति होती है। यज्ञ के आदि में भी कोई ऐसे बच्चे आ गए जिनको बाप स्वीकार नहीं करना चाहता, अंदर नहीं रखना चाहता, ब्रह्मा ने क्या किया, उन बच्चों को अंदर रख दिया। ब्रह्मा माने कृष्ण की आत्मा, कृष्ण के स्वभाव संस्कार राशि किससे मिलाई जाती है, क्रिश्चियन से। क्रिश्चियंस के लिए ये विख्यात है, क्रिश्चियनिटी जहां जहां फैली है वहां ये बात विख्यात है। कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। ये कुत्ता संस्कृति है, जहां कुत्ते सोफा सेटों पर बैठते हैं, कारों में घूमते हैं, खीर पूड़ी खाते हैं, मनुष्य सड़कों पर सामने पड़ा रहता है, कोई पूछने वाला नहीं। यज्ञ के आदि में भी बाप नहीं चाहता था ये कुत्ता अंदर रहे, क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिलती है, तो कृष्ण और ब्रह्मा जी सोल ने क्या दिया, उस कुत्ते को ही शरण दे दी। झगड़ा होगा कि नहीं होगा, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। उस समय प्रज्वलित हुई थी, अभी भी स्थिति वैसी है और ज्यादा खतरनाक हो गई, चाहे बेसिक हो और चाहे एडवांस हो। मां का अपना रास्ता है, टाइटल तो है जगदम्बा, और बाप का अपना रास्ता है।
क्वालिटी को इकट्ठा करना है या हुजूम की माला बनानी है? हमारा लक्ष्य तो है कि अल्लाह अव्वल नंबर दीन की स्थापना करता है, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना होगी तो अव्वल अव्वल नंबर चुनिंदा बच्चों को इकट्ठा किया जाना चाहिए या भंगार को प्रेफरेंस देना है? तथाकथित ब्राह्मणों का जो रास्ता है, ब्रह्मा कुमारियों का जो रास्ता है, वही रास्ता ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा अपना ले। तो अंजाम क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा या कंस्ट्रक्शन होगा? नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा या सारी दुनिया में आग बरपा होगी? इसलिए बोला स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। आग में जो प्रज्वलित हुई विनाश ज्वाला है, उस विनाश ज्वाला को अब तुम बच्चों को संपन्न करना है। संपन्न करने के तरीके अलग अलग हैं। एक तरीका है स्थापना कंप्लीट कर दो, विनाश अपने आप हो जाएगा। और एक तरीका है एटम बम बना के तैयार करो, विनाश हो जाएगा। दोनों तरीकों में से आत्मा का फायदा और नुकसान किसमें होगा? स्थापना से फायदा होगा, विनाश से नुकसान होगा। विनाश का लक्ष्य लेने वाली आत्माएं विनाशकारी भुजाएं बनेंगी। महाकाली को ढेर भुजाएं दिखाई जाती हैं और सावन में तेज क्यों मनाई जाती है? सावन में तेज क्यों मनाई जाती है? तीज है। तीजरी की कथा बहुत प्रसिद्ध है कन्याओं के बीच में। ये तीसरा नेत्र खुलने की कथा है। तीसरा नेत्र ज्ञान बरसात में खुलेगा या गर्मी के मौसम में खुलेगा या जनवरी के ठंडे मौसम में खुलेगा? तो सतयुग त्रेता है ठंडी का मौसम, द्वापर कलयुग है गर्मी का मौसम। साहब के दिमाग काम क्रोध से गर्म रहते और संगम युग है बरसात का मौसम। उस संगम युग में ज्यादातर कन्याएं ही तीसरे नेत्र की कथा मनाती है। तीसरा नेत्र खुलने की कथा है। देवियों को तीसरा नेत्र दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? दिखाते हैं। और है
केवट उसे कहा जाता है जो नवैया का पालन पोषण करता है, नवैया ही उसका धंधा है। कावड़ भी रहते हैं? कावड़ भी रहते हैं यजमान जी, कावड़ भी रहते हैं। कावड़? हाँ कावड़ जी है। कावड़ ले जाते हैं श्रवण कुमार की यादगार में। कहते हैं श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, उनका नाम है श्रवण कुमार, उनकी कथा बहुत सुनी जाती है, कानों से श्रवण की जाती है। उन्होंने अपने अंधे माँ बाप को सारे भारत में घूम घूम के तीर्थ स्थानों पर भ्रमण कराया। ब्राह्मणों की दुनिया में अंधे माँ बाप कौन है? ब्राह्मणों के ब्रह्मा सरस्वती। और ब्रह्मा सरस्वती को कंधे पर बिठाकर सारे भारत में घुमाया जाता है। जरूर कोई ब्राह्मण बच्चा होगा जो श्रवण कुमार के रूप में गाया जाता है। वो मम्मा बाबा वाली आत्माएं प्रवेश करके बच्चों में पाठ बजाती हैं या नहीं? शिव बाप नहीं प्रवेश करते हैं, लेकिन बाप दादा तो प्रवेश करते हैं। मम्मा बाबा तो बच्चों में प्रवेश करते हैं। तो जिन बच्चों में प्रवेश होता है सेवा के लिए, उन बच्चों में कोई अव्वल नंबर बच्चे का नाम पड़ता है श्रवण कुमार। ये गीता पाठशाला है जहां गीता ज्ञान दिया जाता है। ये मधुबन जहां ब्राह्मणों की गैदरिंग होती है, बाप पढ़ाते हैं, वो सात तीर्थ स्थान है, ब्राह्मणों की दुनिया के तीर्थ स्थान। जैसे भक्ति मार्ग में तीर्थों में चक्कर काटते थे, ऐसे ब्राह्मण इन तीर्थों में अभी चक्कर काटते हैं। वहां भक्ति मार्ग में जड़मूर्ति का दर्शन करने के लिए चक्कर काटते थे, और यहां चैतन्य मूर्ति का दर्शन करने के लिए चक्कर काटते हैं। समझते हैं कि इस मूर्ति में मम्मा बाबा जैसी आत्माएं भी विराजमान है। तो भक्ति मार्ग में जो भी कथा कहानियां यादगार त्योहार हैं, वो कहां की यादगार है? वर्तमान संगम युग की यादगार है। हाँ जी, बिस्कुट होने जा रहा है। हाँ जी, तो उसका प्रभाव है सूर्य के ऊपर बहुत बड़ा विस्फोट होने जा रहा है 12-13 में। 12-13 में बहुत बड़ा विस्फोट होने जा रहा है, आपको किसने बताया? हैं? समाचार पत्रों में टेलीविजन में बताया। माने टेलीविजन में जो जो बातें बताती जाएंगी आप उन पर विश्वास करते जाएंगे। पक्का विश्वास है टेलीविजन के ऊपर। हैं? ये तो घटती रहती है, ये तो रिसर्च कर लेती है पहले ही थोड़ा कि ये खबर, ये घटना जो है घटती रहती है।
हाँ मेरा नाम आने वाला है, विस्फोट होने वाला है। हाँ पीछे भी सुनते विस्फोट हुआ था छोटा। हाँ इंडियन पार्टिकल फूटता रहता है। हाँ तो अभी बड़ा विस्फोट होने जा रहा है। अरे किसने कहा? कोई नहीं कह देंगे, साइंस में और दुनिया में कोई भी कह देगा तो मान लेंगे। आप इतने साल से ज्ञान में कितने साल से चल रहे? 5 साल से चल रहे। आपकी बुद्धि में बाप की बात नहीं बैठी है? बैठी है। बाप ने बोला जब स्थापना हो जाएगी तब विनाश होगा। जब तक तुम्हारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश है। कहा तो क्या बड़ी बात हो गई? वो तो आई आग का गोला है। अरे ज्ञान सूर्य नहीं है, तपता हुआ गोला। जैसे ज्ञान सूर्य तपता हुआ गोला है, तीखा तीखा ज्ञान सुनाता रहेगा, ऐसे वो सूर्य भी तीखा होता जाएगा। चैतन्य के ऊपर जड़ सूर्य का मदार है, ये जड़ सूर्य के ऊपर चैतन्य का मदार है। चैतन्य सूर्य के ऊपर जड़ सूर्य का मदार है। जड़ सूर्य में परिवर्तन बाद में, पहले चैतन्य में परिवर्तन दिखाई दे। श्रवण की बात बता रहे थे ना बाबा जी से। हाँ उसके तेना सोनीपत में आके अपने माँ बाप से किराया मांग लिया था, बेहद नीचा। सोनी माने क्या होता है? हाँ? सोनी माने सच्चा। पतराखो गिरधारी, उसका नाम है सोनीपत। सच्चाई की पत रखने वाला। अगर जहां सच्चाई होगी तो श्रवण कुमार को प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? होगी। वो ड्रामा प्लान अनुसार वो सोनीपत भी दिल्ली के नजदीक ही मौजूद है। जहां से दिल्ली का घेराव भी पड़ता है, दिल्ली के तीन तरफ तो हरियाणा ही हरियाणा है। तो ज्यादा घेराव भी किनको डालना है? हरियाणा वालों को भी डालना है। यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। वो धर्म युद्ध का खेल दिखाना अलग बात। और दिल्ली में घेराव डालना अलग बात। यूपी तो दिल्ली की सिर्फ एकमात्र दिशा में है और हरियाणा तो तीन दिशाओं से फैला हुआ है। दिल्ली की पूर्व साइड से बलो उत्तर प्रदेश धर्म युद्ध का खेल दिखाएगा। इंडिया के नक्शे में उत्तर प्रदेश का शेर के रूप में नक्शा दिखाया जाता था। शेर की गजगोर बहुत प्रसिद्ध है। उस यूपी रूपी शेर के मुख है गाजियाबाद। नाम क्या पड़ा? गाजियाबाद। बाद में गजगोर करने वाला।
उस शेर के मुख में गाजियाबाद नाम पड़ा हुआ है। जो गजगोर करता है तो चारों ओर आवाज फैल जाती है। इसलिए शेर के मुख में यूपी के मुख में दिल्ली दिखाई गई है। वास्तव में दिल्ली प्रभावित होती है हरियाणा वालों से, जहां चारों ओर से सेना का घेराव पड़ता है। सेना का घेराव तो तब पड़ता है जब सेना नायक की आवाज का डंका बजता है। वो खास जिले का नाम है सोनीपत। सच्चाई की पत रखने वाला